नमस्कार दोस्तों, विधि रंजन में आपका स्वागत है। आजकल शादी तो हो रही है, महिला मायके में बैठ जा रही है, मायका से ससुराल नहीं आ रही है, या पति मायका से उस महिला को बुलाना नहीं चाहता, उससे दूर रहना चाहता। इस तरीके का अगर चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। आप कैसे इस अधिकार से लड़ सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जुड़ रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी होने के बाद महिला मायके जाके बैठ जाती है, सालों सालों तक मायके बैठे रहती, लौट के नहीं आती, तो कहीं ना कहीं पति का इस तरीके से जो राइट मिला है, जो अधिकार मिला है, उसका हनन हो रहा है। उस व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, या पति जो है पत्नी को मायका से नहीं बुलाता है, उसको वहां लेकर छोड़ दिया है, तुम यही रहो, हम तुम्हें देखरेख नहीं करेंगे। इस तरीके का कृत्य जो है, कहीं ना कहीं महिला का जो अधिकार मिला हुआ है उसका हनन हो रहा है। तो ऐसे में या तो महिला हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, दोनों को अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी न किसी का अधिकार का हनन हो रहा है। जिसका भी अधिकार का हनन हो रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोर्ट में जा सकते हैं और धारा 9 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट को बता सकते हैं कि हमें इतना दिन हो गया, पति हमारा बुला नहीं रहा, पति अपने साथ नहीं रख रहा है। जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जज साहब फिर उस पति को आपको बुलाएंगे, पूछेंगे क्यों नहीं रखना चाहते हो, क्या कारण है, आपको कोशिश करेंगे कि उनके साथ रखवाएं। ये पत्नी जाके मायके बैठ गई है, पत्नी नहीं आ रही है, तो उसको बुलाने के लिए, उसको अपने साथ रखने के लिए आप सेक्शन 9 का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। देखिए, शादी होने के बाद दोनों को दंपत जीवन जीना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मना कर देंगे, शादी किए हो तो दाम्पत्य जीवन को पूरा करना होगा। कोई भी मना नहीं कर सकता कि मैं इस दाम्पत्य जीवन को पूरा नहीं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये कोई सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन को पूरा करना ही होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना बनाना पड़ेगा बैठ के या कुछ ऐसा बड़ा काम करना हो, नहीं। दाम्पत्य जीवन का मतलब यानी पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, पति पत्नी के बीच में जो चीजें होती है वो होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का अधिकार का हनन हो रहा है, और इस अधिकार के हनन के लिए ही हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के सेक्शन 9 में ये बातें बताई गई है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट जाके इस बात का आवेदन कर सकते हैं। जज साहब से आप अपने अधिकार को वापस मांग सकते हैं और जज साहब उस पार्टी को नोटिस करके बुलाएंगे कि क्यों भाई, क्यों नहीं रखना चाहते, क्यों नहीं रहना चाहते, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई भी बातें आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। फ्री पेमेंट कर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आते रहूंगा।